जय श्री कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक नंबर 56, 57, 59, 59, 59, 60 पर चर्चा करेंगे। दुखे सवनु द्विगनम्ना सुखेशु विगत स्प्रियः वितराग भेद क्रोध स्थित धर्मु निरुचयते। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण एक स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं, जो व्यक्ति दुखों में विचलित नहीं होता, सुखों की प्राप्ति पर जिसकी इच्छा शांत हो जाती है, और जो व्यक्ति राग भय और क्रोध से मुक्त हो गया, उसे स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहा जाता है। यह श्रोत्रान विस्नेह तत्प्राप्य शुभा शुभम नाभिनदन्ति न दवेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित। अर्थात जो व्यक्ति हर परिस्थिति में इच्छा से रहित रहता है, चाहे उसे कुछ सुख प्राप्त हो या अशुभ, अर्थात अच्छा या बुरा, और जो व्यक्ति न तो सुख प्राप्ति पर खुश होता है और न ही अशुभ प्राप्ति पर द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर मानी जाती है और वह हर स्थिति में समान रूप से शांत और संतुलित रहता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन के उतार चढ़ाव में संतुलन बनाए रखना ही सच्ची बुद्धिमानी है। यदा संगर्ते चायम कुर्मो नगानी वा सर्वस इंद्राणी इंद्रियार्थे भयस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जिस प्रकार कछुआ अपनी रक्षा के लिए अपने अंगों को अपनी खोल के अंदर समेट लेता है, उसी प्रकार एक ज्ञानी व्यक्ति जब अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। जब हमारी इंद्रियां बाहरी विषयों अर्थात ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से जुड़ी रहती हैं, तो हमारा मन अशांत हो जाता है और हमें मानसिक संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेते हैं, तब हमारी बुद्धि स्थिर हो जाती है और हम आत्मिक शांति प्राप्त कर लेते हैं। विषया विनिवर्तन्ते निरहास्य देहिन रसवर्जम रसोपेयस्य परम दृष्ट्वा निर्वर्तते। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जब एक व्यक्ति अपने इंद्रियों को सांसारिक सुखों से रोकता है, जैसे कोई भूखा व्यक्ति भोजन के स्वाद से दूर हो जाता है, तब भी इंद्रियों की इच्छाएं पूरी तरह समाप्त नहीं होती, बल्कि जब व्यक्ति उच्चतम सत्य या परमात्मा की वास्तविकता को जान लेता है, तब उसकी सभी इच्छाएं और रुझान समाप्त हो जाते हैं। इस श्लोक में हमें यह शिक्षा मिलती है कि केवल इंद्रियों को रोकना पर्याप्त नहीं, व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से जागरूक होना और परम सत्य को अनुभव करना होता है। यत तो है अपि कौन्ते पुरुषस्य विपसिचित इंद्रियाणि परमार्थनि हरन्ति परसबं मनः। हे अर्जुन, ज्ञानी और प्रयत्नशील व्यक्ति के लिए भी इंद्रियां अत्यंत बलवान और विनाशकारी होती हैं। ये इंद्रियां उसके मन को जबरदस्ती खींच ले आती हैं। इस प्रकार इंद्रियों को नियंत्रित करने और ध्यान केंद्रित रखने के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है। गीता ज्ञान की खोज में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।